बिहार में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है। सबसे ज्यादा भयावह हालात दियारा और गंगा नदी के पास निचले इलाकों में है, जहां पानी भरने से फसलों की बर्बादी के साथ साथ जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। बिहार में भले ही कम बारिश हो रही हो, लेकिन नदियां उफान पर हैं। नेपाल और यूपी से आ रहा पानी कई जिलों की मुसीबत बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिले की हैं, जहां तिरहुट नहर का तटबंध टूटने से कई गांवों में पानी भर गया। सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए, सड़कों पर भी पानी भर गया। लोग इसी पानी के बीच से होकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अब तटबंध को ठीक कर लिया गया है। अब आपको भागलपुर ले चलते हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में पानी घुस आया है। कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। रोहतास जिले में पानी के रौद्र रूप ने लोगों के दिलों में दहशत भर दी है। नोहटा थाना के महादेव खोर के पास हुई मूसलाधार बारिश के कारण जल प्रलय के हालात दिखाई देने लगे। कैमूर पहाड़ी पर मात्र 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद जल प्रताप में इतना तेज पानी आया कि आसपास के दुकानदार ही नहीं, मंदिर में पूजा अर्चना करने आए लोग भी भाग खड़े हुए। इन तस्वीरों में जल प्रताप का हाहाकारी रूप दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पानी सब कुछ अपने साथ बाहर ले जाएगा।